ये हमारा मिनी आईसीयू है, जैसे यहाँ पे वैक्सीन लगेगा उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन रखेंगे, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है वो वैक्सीनेशन ऑफिसर को बोलेंगे, वो यहाँ पे बोलेंगे वैक्सीनेटर को देन कॉल फॉर मी कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, हम लोग मैनेज करेंगे यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पर इन बेड्स की व्यवस्था, क्योंकि आधे घंटे तक हर सेंटर पे भी यही होगा कि आधे घंटे तक एक व्यक्ति को रखा जाएगा। हर एक छोटी छोटी चीज का ख्याल, यानी कि जो मेडिकल पहलू है उससे लेकर सेल्फी पॉइंट और मनोरंजन कैसे करें जब तक आधे घंटे, ताकि आप बहुत ज्यादा विचलित ना हो, आपको ये चिंता ना लगे कि पता नहीं अब क्या हो सकता है। जिस तरीके से ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, उस तरीके से हमारी टीमें अभ्यास कर रही हैं कि किस तरह से जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तो कोई भी चूक न हो। और दिल्ली में जितनी जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर हर रोज यहां पर लोग आना शुरू होंगे और उनके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, उनमें से एक हिंदूराव अस्पताल में हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और समझिए कि ये पूरी टीम जो है वो लगातार दिन रात इसी कोशिश में लगी है कि कोई दिक्कत ना यहाँ पर आने पाए। जयप्रकाश जी मेरे साथ हैं। एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीनेशन? एक दिन में कम से कम 500 लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, 500 हम लोगों को टीकाकरण कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डे का गोल कितना है आपको? फर्स्ट डे का 500 है, 500 और मुख्य जो हमारे पे लिस्ट आएगी डीएम ऑफिस से, अगर डीएम ऑफिस से लिस्ट आई 200 की तो 200 को लगेगा, लेकिन एक दिन में कम से कम 500 लोगों को टीका हम लगा सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। स्वास्थ्यकर्मी जो सबसे ज्यादा अभी तक एक जुनून से आगे बढ़ते थे ये जानते हुए कि खतरा सबसे पहला उन पर है, तो उन्हें ही सबसे पहले चुना जा रहा है, मैम बहुत राहत भी होगी इस बात की, स्वास्थ्यकर्मियों को सबसे पहले चुना। Yes, I think because their exposure is the maximum and most of the time it is a high viral load. So I think they should be healthcare workers, frontline workers are being vaccinated. टीकाकरण अभियान के शुभारंभ को बस एक दिन बाकी है, तैयारी पूरी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा अस्पताल हिंदूराव अस्पताल पूरी तैयारी के साथ बस उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली टीकाकरण अभियान का आगाज करेंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये, हमारा टीकाकरण केंद्र है। ये केंद्र का ये आप एंट्री देख सकते हैं, इधर दिखा सकते हैं, ये एंट्री है। यहाँ पे बेनिफिशियरी जब आएंगे पहले इनको पहले उनका अटेंडेंस के साथ आएंगे या एक व्यक्ति एक बार में जाएगा जिसको वैक्सीनेट होना है? लोग तो यहाँ पे आएंगे, उनके बैठने के अरेंजमेंट करेंगे हम, हाँ, लेकिन ये वैक्सीनेशन सॉरी रिसेप्शन से पहले उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे हम। पहले यहाँ पे लिस्ट होगा, लिस्ट से हम उनका नाम यहाँ पर भी होगा, सब जगह 3-4 जगह लिस्ट होगा, यहाँ पे उनका अगर नाम लिस्ट पे है तो हम इनका पहले हैंड सैनिटाइजेशन करेंगे उनका, और उनका टेम्परेचर भी देखा जाएगा, टेम्परेचर अगर नॉर्मल है और सैनिटाइजेशन करके हम उनको अंदर आने देंगे, एक एक करके अंदर आने देंगे। ये तो था अस्पताल का एंट्री पॉइंट, अब हम आपको लेकर चलते हैं वेटिंग एरिया जहाँ उन लोगों को बिठाया जाएगा जिन्हें टीका लगाना है। अब यहाँ से वेटिंग एरिया की शुरुआत हो गई है, एक एक बार में कितने लोग आप लोग बैठने देंगे जो कि अपनी वैक्सीनेशन की बारी का इंतजार? 20 से 25 लोगों की यहाँ सिटिंग होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, इसलिए जितना स्थान उपलब्ध है 20 से 25 लोग यहाँ बैठे होंगे, और जिनका टीकाकरण होगा उनको हम समय भी उपलब्ध कराएंगे ताकि एक समय सब लोग इकट्ठे हो जाएं। अगर उनको समय बताया जाएगा तो सब बारी बारी से आएंगे, टीका लगवा के जाएंगे, जितनी सीटें वो भरी रहेंगी, अंदर भी काम चलता रहेगा। कितने बजे सुबह से शुरू हो? सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और एक दिन में कितने घंटे जो टीम है वो काम करेगी? कम से कम 4-5 घंटे तो काम करेंगी, जब तक टारगेट पूरा नहीं होगा जब तक काम करना है, क्योंकि हम तो हॉस्पिटल में 24 घंटे काम करते हैं, तो इसलिए हमारा हॉस्पिटल भी 24 घंटे काम करता है। लेकिन टीकाकरण एक बहुत बड़ा अभियान है और हमारा देशव्यापी अभियान है,
इसमें अच्छे से हम भाग ले सकें, लोगों को इसका लाभ पहुंचा सकें, क्योंकि हमारा देश जो अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो गया है। इतना इतनी आबादी किसी के नहीं जितना हम पहले चरण में जिनको वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका की आबादी से मिलता जुलता वो आंकड़ा है। हिंदुस्तान में जो हमने अपने लिए लक्ष्य रखा है उसके अनुसार एक सेकेंड में पूरे देश में 15 से 17 लोग को वैक्सीनेट किया जा रहा होगा, तो बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए। बिल्कुल चुनौती है, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि देश ने 10 महीने में वैक्सीन बना ली। विश्व के जो बड़े देश हैं उनमें से एक देश हमारा है, तो इसका मतलब है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य टारगेट रखा था उस लक्ष्य को हम पूरा करने जा रहे हैं। एक टीम की तरह काम किया है सबने। बिल्कुल, सभी उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सबसे बड़ा प्रयास कराया है, और सीमित संसाधनों के लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी माननीय महापौर जी के नेतृत्व में, मैं छैल बिहारी हूँ, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हूँ, पूरी टीम हमारी इसमें काम में लगी हुई है, और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को बहुत राहत मिलने वाली। किसी भी जगह पर असल में अगर आप एक टीम की तरह काम नहीं करते हैं तो आपका जो ये लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता। वेटिंग एरिया के बाद बारी आती है रजिस्ट्रेशन सेंटर की। यहीं पर कोविन ऐप से लाभार्थियों की पहचान सत्यापित होगी। रजिस्ट्रेशन सेंटर है, जो व्यक्ति वहाँ वेटिंग करेगा जब उसका नंबर आ जाएगा तो यहाँ आकर के वो जो अपना उसका नंबर है जो कोविन ऐप पे उसको मैसेज आया है, ऐसे कोविन ऐप से हमारे को मैसेज आएगा, दोनों मैसेज को मिलाया जाएगा, जब उस दोनों का मिलान होगा उसके बाद वो अंदर जाएगा। तो इसकी पूरी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जा रही है। कुल मिलाकर मिनिमम 5 लोग एक वैक्सीनेशन सेंटर को कम से कम मैन करते हैं। सारी चीज़ों पे आप देखिए यहाँ पर इन बेड्स की व्यवस्था, क्योंकि आधे घंटे तक हर सेंटर पे भी यही होगा कि आधे घंटे तक एक व्यक्ति को रखा जाएगा। यहाँ पे आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स होंगे जहाँ पर आप लोग वैक्सीन लास्ट उसके लिए रख रहे हैं? इस पॉइंट पे नहीं है, हमारे हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चों का टीकाकरण होता है, वो ILR का व्यवस्था है हमारा। थोड़ी दूर में पहले वैक्सीन लगाएंगे, उधर रखेंगे, सुबह यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर शाम को वापस। जितनी जितनी इस्तेमाल हो रही हैं उतने आप लेकर आते रहेंगे? हाँ, जितनी ज़रूरत है, हर टेबल में हम 10 वायल लाएंगे क्योंकि 100 लोगों को लगनी है, तो जो बच जाएगा फिर वो ये कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए हम इसको वापस रख देंगे, फिर अगले दिन आएगा। यहाँ पर एक ये टेबल है, यहाँ पे जैसे ये टीका लगाएंगे, ये वैक्सीनेटर होंगे। अच्छा। और बेनिफिशियरी इधर बैठेंगे जिनको टीका लगेगा। अच्छा, जो आके ये बैठ जाएंगे तो हम जो ये ओके कर देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ये यहाँ पे आ गए, फिर उनको जो बायोमेडिकल सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस करते हुए उनको टीका लगाया जाएगा। टीका लगाने के बाद फिर ये बायोमेडिकल वेस्ट की जो है उसके हिसाब से उसको डिस्पोजल करा जाएगा। आपने पूरी व्यवस्था उसकी भी डिस्पोजल की भी कराने के बाद हम ये उनको रास्ता ऐसे लेके एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाए हुए हम। हाँ, वो एक साथ 5 लोगों को टीका लगाया जा सकता है। 5 को लगाया जाएगा, 5 काउंटर। यहाँ की जो टीम है वो कितने लोगों की टीम है, क्या स्ट्रेंथ? हर टेबल के लिए 5 लोगों की जरूरत है। हमें 5 लोगों के लिए बोला गया है, हम 5 लोगों की 5 टेबल की व्यवस्था करी हुई है। यानी आपका स्पीड बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल, उससे काम करने में आसानी रहती है और एकदम भीड़ नहीं लगती, हर आदमी समय का सदुपयोग करके उसका टीकों को लगा सकता है। तो ऐसे ही जो हम देख रहे हैं टेबल्स अलग अलग, उस तरीके से 5 जगह पर एक साथ वैक्सीनेशन की जा सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? हिंदूराव अस्पताल में वैक्सीनेशन का एक अहम हिस्सा ये मिनी ICU। आइए अब आपको वहाँ की तैयारी दिखाते हैं। यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए डेस्क लगी हुई है जहाँ पर 5 जगहों पर वैक्सीन लगेंगे, वहीं पर एक तरह से समझ लीजिए कि एक मिनी ICU को क्रिएट किया है। ये हमारा मिनी ICU है, जैसे यहाँ पे वैक्सीन लगेगा उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन रखेंगे, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है वो वैक्सीनेशन ऑफिसर को बोलेंगे, वो यहाँ पे बोलेंगे वैक्सीनेटर को, देन कॉल फॉर मी कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, हम लोग मैनेज करेंगे। यहाँ पे दिस इज द वेंटिलेटर व्हिच नीड्स, इफ एनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अकर्स टू बी इंटुबेट देम, रेसिसिटेड देम विथ ऑल दी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हेयर। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर दी फर्दर मैनेजमेंट के लिए हम एम्बुलेंस में, हमारा 2-bed और CCU में ICU पड़ा हुआ है, वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। एम्बुलेंस भी है ताकि मतलब लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जा रहे हैं तो आपका ख्याल रखने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हाँ जी मैम, इनिशियली रेजिस्ट्रेशन यहाँ करके उसको इंजेक्शन एड्रेनिन लगा के फ्लूइड्स दे के यहाँ पर अगर इंट्यूबेट करना पड़ा तो उसको हम एयरवे को संभालेंगे, उसको सांस देंगे, अगर उसका हार्ट रुक जाता है तो हमारे पास यही मशीन है कि उसको रेसिटेट करके उसको वापस ला सकें, उसको यहाँ मैनेज करके अपनी ही एम्बुलेंस में जिसमें सारे कुछ इक्विपमेंट्स हैं, मॉनिटर हैं, उसको पेशेंट को CCU में हम ट्रांसफर करेंगे जहाँ पर 2-bed का हमने ICU बनाया है।
असल दिक्कत ये थी कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो दुनिया भर के बड़े बड़े देश इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते थे कि भारत जैसा देश कैसे मैनेज करेगा, और मुफ्त का मशवरा देने वाले बहुत लोग थे जो ये बताते थे कि आपका तो स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो बहुत डेवलप्ड नहीं है। आज की तारीख में शायद बहुत लोगों को जवाब मिला होगा। यहाँ पे देखिए, ये भी एक वैक्सीनेशन रूम है, एक ये भी है, पाँचवा वैक्सीनेशन रूम। वैक्सीनेशन लगाते हुए ऐसे हमने जो लगाया हुआ फुटस्टेप्स लगाया हुआ है उसको फॉलो करते हुए सीधा आगे चल बढ़ना है, और यहाँ पे उनको बता देना कि जो टीका लग गया तो ये करते हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको बोल देना कि टीका लग गया, फिर उसमें उनका एंट्री हो जाएगा कि हाँ टीका लग गया उनको, फिर अभी ऑब्जर्वेशन रूम है इसमें जाना है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम आप लोगों ने बनाया, कितना ड्राई रन में कितना, मतलब आप लोग पूरा एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने प्रैक्टिस किया? बिल्कुल हर चीज़ का ध्यान रखा गया है कि अगर कोई ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसका कैसे उसको ध्यान रखना है, उसको गाइड भी किया गया है। टीका लगाने से पहले भी हम उसको समझाएंगे, अगर उसको कोई सिम्टम्स आते हैं तो वो भी उसको बताया जाएगा कि सिम्टम्स आने से ठीक रहेगा, अगर बुखार चढ़ेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल में बताया गया। यहाँ पर इसके बाद लास्ट में जब बैठेंगे मॉनिटर, टीका लगाने के बाद हर व्यक्ति को टीका लगाने के बाद आधा घंटा बैठना जरूरी है, उसकी टोकन में किस टाइम टीका लगा वो देख लेंगे और किस टाइम उसमें जाना है वो भी लिख लेंगे, तो उसी हिसाब आधा घंटे से पहले किसी को नहीं जाने देंगे। उसके बाद यहाँ से फिर फिर सेकेंड डोज के लिए उनको देखा जाएगा। तैयारी फुल प्रूफ है, एंट्री से लेकर रिसेप्शन तक, वेटिंग एरिया से लेकर रजिस्ट्रेशन सेंटर तक, वार्ड से लेकर मिनी आईसीयू तक। लेकिन तैयारी सिर्फ वैक्सीन लगाने और उसके बाद ऑब्जर्वेशन तक सीमित नहीं, यहाँ और बहुत कुछ है। एक पूरी जो रखने के लिए उनके लिए आईसी मटेरियल्स कुछ टीवी पे यहाँ चलाते रहेंगे, उस तरफ हमारा सेल्फी कॉर्नर अभी रेडी नहीं हुआ, उसका पोस्टर बन गया सेल्फी कॉर्नर, लोगों वैक्सीनेशन हो गया जी। अच्छा। इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी रखा है हमने, ताकि लोग आधे घंटे तक यहाँ बिजी रहें, और अगर इसमें से कोई सीरियस होता है तो हमारा जो 4 बेड का उधर वो सीरियस AEFI मतलब एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, अगर कोई इस तरह का इवेंट होता है तो इमीडिएटली शिफ्ट करेंगे जहां हमारे पास सारे तरह के लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं और उनको ICU। एक बात बताइए कि पूरा हिंदुस्तान तो इंतज़ार कर रहा था, मेडिकल कम्युनिटी को ज़्यादा कम करना पड़ रहा था क्योंकि आप लोग मतलब अलग अलग एरियाज में अलग अलग देश के हिस्सों में सब रिसर्च में भी लगे थे कि एक वैक्सीन बन जाए और दिन रात सेवा भी कर रहे थे। अब कैसा लग रहा है कि बस अब वैक्सीन कुछ घंटों की दूर है? ये तो एक माइलस्टोन है हमारे इस फेज का और हमारे इवन हमारे लाइफ का एक माइलस्टोन है कि हमने इतनी जल्दी और इतनी बड़ी चीज़ हासिल की है, और ये डेफिनेटली कोविड कंट्रोल में ये एक मील का पत्थर साबित होगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और उसमें भी और बड़ी बात कि ये दोनों मेड इन इंडिया हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपने के ऊपर ही निर्भर हैं और हम विज्ञान के रूप में कितने आगे बढ़ गए हम बता रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने साबित करके दिखाया। आज पूरे देश के लोग उनकी ओर देख रहे हैं, जो हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो उन्होंने साबित करके दिखाया। वैक्सीन अब टीका भी तैयार है, टीकाकरण के लिए लोग भी तैयार हैं, लेकिन भारत के वैज्ञानिक कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी चीज़। बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ है, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे कोरोना खत्म होगा, हमारी कंट्रोल में आ जाएगा, बढ़ेगा नहीं जैसे बाकी देश में जैसे बढ़ रहा है, तो हम लाइफ ठीक से चल पाए हमारे। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ का ख्याल, यानी कि जो मेडिकल पहलू है उससे लेकर सेल्फी पॉइंट और मनोरंजन कैसे करें जब तक आधे घंटे, ताकि आप बहुत ज़्यादा विचलित ना हो, आपको ये चिंता ना लगे कि पता नहीं अब क्या हो सकता है। तो आपको शांत रखने के लिए भी, आपको मसरूफ रखने के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए दिन रात एक कर दी है टीम इंडिया ने। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।